आप देख रहे हैं सिटी वैम न्यूज, मैं प्रीति चंद्र एक बार फिर हाजिर सहारनपुर बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने से प्रशासन हुआ चिंतित। जनपद में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि कोरोना को खुला न्योता देते हुए बाजार में भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे मुख्य मार्ग व बाजारों में जाम लग रहा है। जिसके चलते बाजारों में बढ़ती भीड़ को रोकने और मास्क लगाने व शारीरिक दूरी का पालन कराने को पुलिस प्रशासन बाजारों का दौरा कर आम लोगों व दुकानदारों को चेतावनी दे रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अम्बेटा में लिए गए 100 सैंपल। जी हां, आपको बता दें, अम्बेटा कस्बे के मेडिकल स्टोर संचालक को डॉक्टरों का कोरोना टेस्ट कराया गया। इसी कड़ी में नगर पंचायत कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों सभी का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिस पर अम्बेटा सीएचसी प्रभारी ओमवीर सिंह ने जानकारी देते हुए क्या कहा, सुनिए। आज हमारे यहाँ पर एक कैंप का आयोजन किया गया शासनादेशानुसार, जिसमे COVID-19 के टेस्ट कराए गए। ये टेस्ट क्षेत्र में सभी प्रैक्टिशनर और मेडिकल स्टोर के सभी हमारे सहयोगी मौजूद रहे और अब यहाँ पर 80 लोगों का टेस्ट कराया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चनप्पा के निर्देशन में सहारनपुर पुलिस द्वारा बैंक चेकिंग अभियान चलाकर बैंकों के सीसीटीवी कैमरा, इमरजेंसी अलार्म, बैंक के अंदर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग कर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थाना प्रभारी नकुट सुशील सैनी, नकुट सीओ यतेंद्र सिंह नागर, उप जिलाधिकारी पूर्ण सिंह राणा ने नकुट की सभी मस्जिदों का भ्रमण कर सामूहिक कुर्बानी न करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सभी इससे सहमत भी हुए। जनपद में अपराधियों को चिन्हित कर वे उनके द्वारा किए गए अपराध कार्य व अर्जित की गई संपत्ति को कुकृत करने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा, सुनिए। जिले की जो अपराध प्रवृत्ति का जो लोग है, माफिया है, उनके जो अपराध से जो संपत्ति अर्जित किए हैं उनकी सूची तैयार करके उनकी जो गैंगस्टर में भी जो कार्रवाई की गई है और आगे उनकी संपत्ति कुर्क करने का जो जो ये हमारा प्रक्रिया है वो प्रचलित है और शीघ्र इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाए। सभी तरह के माफिया इसमें सभी तरह का माफिया चिन्हित है और गैंगस्टर के अंतर्गत जो कार्रवाई हुई है वो अपराधी चिन्हित है, इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 47,085 वाहनों का पुलिस ने किया चालान। 1781 सीज कर वसूले 4,64,00,000 रुपए से अधिक जुर्माना। आपको बता दें, 23 मार्च 2020 से लेकर 28 जुलाई 2020 तक लॉकडाउन का उल्लंघन करने के वालों के खिलाफ ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। सहारनपुर में पत्रकार उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं को लेकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने एसडीएम नकुड़ को पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए जाने संबंधित ज्ञापन सौंपते हुए पत्रकारों ने क्या कहा, देखिए। आज हमारे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन नकुड़ तहसील की इकाई के द्वारा, जिसमें गंगो ब्लॉक अध्यक्ष, सरसा ब्लॉक अध्यक्ष, नकुड़ ब्लॉक अध्यक्ष और हमारे कुछ अन्य साथियों के साथ एसडीएम साहब को महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हमारी 3 सूत्री मांग रखी गई है, जिसमें कि पत्रकारों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें अपना मान सम्मान नहीं मिल रहा है। इन जैसी घटनाओं को लेकर एसडीएम साहब के माध्यम से महामहिम को एक ज्ञापन सौंपा गया, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन रामपुर मनिहारन तहसील इकाई के पत्रकारों ने भी राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। सुनिए क्या कहा पत्रकारों ने। आज हम सभी पत्रकार लोग ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के बैनर तले एसडीएम साहब से मिले और हमने उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने का मकसद यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पत्रकारों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। मात्र उत्पीड़न ही नहीं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, गोली के माध्यम से, चक्कू के माध्यम से उनकी निर्मम हत्याएँ हो रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में कोई सॉलिड ठोस कदम उठाती हुई नज़र नहीं आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी अपराध पत्रकारों के साथ हो रहे हैं उन पर तुरंत अंकुश लगाया जाए और कुछ ऐसे कानून बनाए जाए ताकि
अपराधी को इस बात का डर रहे कि पत्रकारों के साथ ऐसे जघन्य अपराध फिर से न हो सके। सहारनपुर महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा चुने गए 37 सदस्यों के नामों की घोषणा आज प्रदेश महासचिव वीरेंद्र सिंह गुड्डू ने की है। शामली पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। जी हां, आपको बता दें, दो दिन पूर्व जनपद शामली में एटीएम मशीन तोड़कर आरोपियों द्वारा पैसे चोरी करने का प्रयास किया गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस मामले में तहरीम व शोएब उर्फ सोनू को एक मोटरसाइकिल, दो हथौड़े, एक दो पेचकस व दो छेनी व अन्य उपकरण के साथ गिरफ्तार किया। खबरों का बुलेटिन आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं।